नमस्कार, मैं कोपल हालन स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। स्कूलों में धीरे धीरे फिर लौट रही है रौनक। ओमिक्रॉन की तीसरी लहर देश में थमती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते राज्य स्कूलों को फिर से खोलने की ओर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिसमें 15 राज्यों ने पढ़ाई को फिर से ऑफलाइन चलाने का निर्णय ले लिया। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, तेलंगाना, कर्नाटक, पांडिचेरी में स्कूलों को पूरी तरह से खोल दिया गया है, तो वहीं गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में आंशिक रूप से स्कूलों में बच्चों की वापसी की इजाजत दे दी गई है। इस तरह अभी तक देश में 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में दोबारा बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा सके। हालांकि छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने को लेकर राज्यों ने अभी इंतजार का विकल्प चुना। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बड़ी तादाद में किशोर आबादी को टीका लग जाने के चलते इस बार स्कूलों में विद्यार्थियों की तादाद बढ़ेगी। वहीं अगर बात करें पूरी दुनिया में सबसे लंबी अवधि तक चली स्कूल बंदी के आंकड़ों की, तो भारत में 82 सप्ताह यानी 574 दिनों तक स्कूल बंद रहे। ठीक इतने ही दिन बोलिविया और नेपाल में भी स्कूल बंदी रही, जबकि युगांडा में 83 सप्ताह तक स्कूल बंद रहे। भारत में करीब 20 सप्ताह तक पूरी तरह स्कूल बंद थे, जबकि वहीं सप्ताह आंशिक बंदी जारी रही। यूनिसेफ के मुताबिक इन देशों में 17 फरवरी 2020 यानी महामारी के शुरुआती दौर से लेकर 31 अक्टूबर 2021 तक स्कूल बंदी चली। इसके कारण बच्चों में पढ़ने की मौलिक क्षमता कमजोर हुई है, या यूं कहें कि खत्म सी हो गई, जो कि इनके भविष्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एक अध्ययन से पता लगा है कि लगभग 86 स्कूली बच्चों ने गणित में मौलिक क्षमता खो दी। मौलिक क्षमताओं का अर्थ कक्षा 1 से 6 तक के बच्चों के लिए संख्या को पहचानना, मूल जोड़ आदि शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 21 करोड़ बच्चे जब दोबारा ढंग से पढ़ाई शुरू कर सकेंगे, तब तक वे पुराना पढ़ा हुआ बहुत कुछ भूल चुके हैं। धन्यवाद।